हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। लाइक करने से बहुत मोटिवेट होती हूँ और आपका सपोर्ट मिलता है और अच्छा सा कमेंट कर देते हैं तो वीडियो बनाने का और मन करता है और मनोबल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा ये मजेंटा कलर का हमारा खूबसूरत सा मजेंटा, क्या पर्पल भी बोल सकते हैं इसे, बहुत ही खूबसूरत ही गुलदावदी का पौधा है और एक ये वाला है। तो फ्रेंड्स, ये पौधे मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और आप सबने विंटर की अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम अपनी शॉपिंग में कुछ चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखेंगे, जिन चीज़ों का उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं किसी नर्सरी में नहीं गई, अगर नर्सरी में जाती तो आपको विजिट को ज़रूर दिखाती। तो मैंने घर पे ही ख़रीद लिए हैं ये पौधे। अब घर पे मैंने ऑनलाइन भी शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि घर कभी कभी क्या होता है, हमारे गांवों में भी ठेली वाले आजकल ज़्यादातर पौधे लेके आते हैं। मैं वीडियो बनाना मिस कर गई, पर मैंने उनसे कुछ पौधे ख़रीदे, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही पौधे ख़रीदे हैं, पर हमारी वीडियो के लिए काफ़ी है और जानकारी के लिए बहुत है। मैं नर्सरी जाना नहीं हो पाया, बिजी थी काफ़ी, तो इसलिए घर पे ही पौधे ख़रीद लिए। और गुलदावदी का मेरा बहुत मन था ख़रीदने का, कुछ पौधे और ख़रीदने का मन है। मैंने उनसे बोला है कि मुझे दे जाना और पौधे, और जल्दी वो आएंगे तो उन्हें भी मैं आपको दिखा दूँगी। चलिए अपनी बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमें देखना है हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी हो और उसमें कोई भी रोग लगा हुआ ना देखो हो। देखिए, जैसे कि मैंने घर पे ही पौधे ख़रीदे हैं, कोई नर्सरी नहीं गई, फिर भी देखिए आप कितना हेल्दी ये प्लांट है। और जैसा ये प्लांट है, फूलों से भरा हुआ खिला हुआ, ऐसा पौधा हमें नहीं ख़रीदना है, क्योंकि ये इसमें एक ही बार फ्लावरिंग होगी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। अब तो मल्टीपल ब्रांचेस भी नहीं निकलेंगी, तो फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी, यही फ्लावरिंग बनी रहेगी जो जल्दी ही ख़राब हो जाएगी। तो इससे आपको ज़्यादा आनंद अपने फूलों का नहीं मिल पाएगा। आपको इस तरह का पौधा ख़रीदना है और कोशिश करें कि एक भी फूल खिला हुआ ना हो, बस कलियाँ हो। कलियाँ सिर्फ इसलिए कि आप कलर देख पाएँ, ताकि आपको कलर का पता चल सके कि प्लांट पे किस कलर के फूल आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नहीं तो आप सैपलिंग्स भी खरीद सकते हैं, सैपलिंग्स में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें हमेशा पौधा छोटा ही ख़रीदना है। मेरा छोटा ही पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5 इंच का भी ये पौधा नहीं है दोनों ही। तो इससे क्या होगा, हमारे इस पौधे पे मल्टीपल ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जो बड़ा पौधा होता है तो उस पे ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आती हैं, क्योंकि पहले से ही बड़ा हो चुका होता है और आपके एनवायरनमेंट में ढलने के लिए उसे पूरा टाइम नहीं मिल पाता। इस तरह के पौधे एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। और देखिए, नई नई कलियाँ भी इन पे बन रही हैं, इस पे भी कुछ कलियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि सभी फूल खिले हुए हैं। तो आपको हमेशा ऐसे पौधे ध्यान रख के फ्लावरिंग वाले हमेशा ऐसे ही ख़रीदने हैं। और मेरी सलाह है हमेशा छोटे पौधे सैपलिंग्स ही ख़रीदें। एक तो पहली बात, वो सस्ते मिलते हैं, सस्ते मिलने के साथ साथ उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। बड़ा पौधा जो होता है, कई बार हम बड़ा पौधा ले आते हैं और ध्यान नहीं देते, तो वो कटिंग, बड़ी सी कटिंग लगाई हुई होती है और वो घर आके बेकार हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो हमें कभी भी बड़े पौधों पर ध्यान नहीं देना है। एक तो हमारे पैसे बचेंगे और वो पौधे को एनवायरनमेंट में ढलने का टाइम मिलेगा और वो पौधा सालों साल आपके यहाँ चलता रहेगा। पिछली बार मैंने तो भरी हुई फूलों से गुलदावदी ले ली थी, तो मेरी ख़राब हो गई थी, और जो मैं छोटा पौधा लेके आई थी कम फूलों वाला, वो मेरा अच्छे से चलता रहा। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगला प्लांट है हमारा ये डायंथस का। तो डायंथस देखिए, मैंने बहुत छोटा सा और कम फूलों वाला पौधा ही ख़रीदा है, और जो इसके कुछ सूखे हुए फूल हैं मैंने सबको हटा दिया है। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि देखिए, इसमें नई नई मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं और कलियाँ भी बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम से रिपोर्टिंग नहीं करनी है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें 3-4 दिन रुकने पर ही इनकी रिपोर्टिंग करनी है और पुराने फूलों को हटाते रहने हैं। उससे आपका पौधा काफ़ी समय तक, हो सकता है सालों साल भी आपके गार्डन में बना रहे। और डायंथस मैंने इस बार हैंगिंग बास्केट में लगाया है, क्योंकि मैंने पॉट में, बिना हैंगिंग वाले ज़मीन पर रखने वाले पॉट में ही लगा दिया था पहले डायंथस, तो वो मेरा बरसात में ख़राब हो गया, तो मैंने इसलिए इसे हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगला ध्यान हमें ये रखना है, देखिए इस तरह से पौधा हेल्दी होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए पौधे में और किसी तरह का अटैक नहीं होना चाहिए। देखिए जिस तरह से इसकी एक पत्ती पे स्पाइडर माइट्स का अटैक है, तो इस चीज़ का भी बीमारी ना लगी हो हमारे पौधे को, ये भी हमें
ध्यान रखना है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हैं तो मैं बता देती हूँ, ये पौधा मैं ये हमारा गार्लिक वाइन का पौधा है और देखिए कितनी अच्छी इस पर फ्लावरिंग हुई है और बहुत छोटा ही अभी मेरा पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं काफ़ी महंगा मिलता है ये प्लांट, लगभग ये प्लांट इतना था जब मैं इसे लेके आई थी नर्सरी से, बहुत छोटा सा प्लांट था और वो 200 रुपए का मुझे मिला था। पर 200 रुपए का मिला और छोटा प्लांट में लेके आई तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे अच्छी फ्लावरिंग इससे और हेल्दी फ्लावरिंग, देखिए बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें गुच्छों में और बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे मिली, तो मुझे ये छोटा पौधा लाने का ये काफ़ी फ़ायदा हुआ। फ्रेंड्स मेरे यहाँ तो बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ये देखिए पूरा गुलदावरी का पौधा मेरा तोड़ दिया, कितने सुंदर इसमें फूल खिले हुए थे। ये मेरा पिछले साल का प्लांट है, जैसे क्या मैंने आपको दिखाया था कि, और मैं आपको बता भी रही थी कि मेरा ये पिछले साल का प्लांट मेरा एक बच गया था, तो ये मैं छोटा सा पौधा लेके आई थी, उसका देखिए कितना बड़ा हेल्दी और कितनी सारी 100 से ज़्यादा इस पर फूल खिले हुए थे, पर बंदरों ने सारी टहनियाँ तोड़ दी हैं और देखिए इस पर कलियाँ भी बहुत सारी बन रही हैं और नई नई फुटेर भी इसमें से निकल रही है। तो ऐसा ज़्यादा बड़ा पौधा हमें नहीं लेना है, ये मैं गेंदे का पौधा ज़्यादा बड़ा लेके आई थी, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी तो मुझे इससे कुछ नुकसान लगा क्योंकि इसमें मुझे कुछ अच्छी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं मिल पा रही है, जबकि ये वाला गेंदा मैं छोटा सा लेके आई थी और इसमें आप देखें कितनी अच्छी मुझे फ्लावरिंग इस पर देखने को मिल रही है और प्लांट देखिए इससे ज़्यादा हेल्दी ये प्लांट बना हुआ है। और एक ये गुलदावरी ली है मैंने, इसमें भी मुझे नुकसान रहा क्योंकि ये भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ये भी मैंने गांव में ली और हाँ मैं इसके प्राइस बताना भूल गई, 50-50 रुपीज़ की मैंने गुलदावरी के प्लांट लिए हैं, ये पॉट में 50 रुपीज़ का है, ये मिनिएचर वाली गुलदावरी है हमारी और वो विदाउट पॉट थी दोनों, वो पॉट में मैंने उन्हें रिपोर्ट किया है। और फ्रेंड्स एक बात मैंने आपको बताई थी कि हमें प्लांट को लाने के बाद उसकी हमें कलियों को तोड़ देना चाहिए या फूल हो, तो ये गुड़हल का पौधा भी मैंने 20 रुपीज़ में लिया है और देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें से निकल रही है, ये येलो कलर का गुड़हल है मेरा, तो मैंने इसे रिपोर्ट किया और बहुत ही अच्छी हेल्दी कंडीशन में ये है। और फ्रेंड्स कुल 20 रुपीज़ में मुझे घर बैठे ये मिल गया है। तो वो जो मैंने फूल तोड़ने वाली बात बताई थी वो हमें उन पौधों के नहीं तोड़ने हैं जो क्या सीजनल फ्लावरिंग करते हैं, परमानेंट फ्लावर प्लांट्स के फ्लावर हमें तोड़ने होते हैं, क्योंकि जो सीजनल प्लांट होते हैं अगर हम उनके फूल तोड़ देंगे तो फिर सीजन ख़त्म हो जाता है और फ्लावरिंग कई बार नहीं हो पाती है, तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होता है। और फ्रेंड्स कुछ इस तरह की सैपलिंग्स ज़रूर लाया करें, जैसे ये कैलेंडुला है, मैंने तो खैर ये सीड से उगाए हैं और ये कटिंग से देखिए मैंने ये क्लांचो लगाए हैं, तो कुछ ऐसे काम भी करते रहने चाहिए ताकि फ्री में या सस्ते में हमें काफ़ी सारे पौधे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी बातों को आपको नर्सरी से पौधा लाते हुए ध्यान रखना है और एक हेल्दी अच्छा पौधा लेके आना है जो आपके घर में बना रहे, जो परमानेंट प्लांट है वो तो बना ही रहेगा और जो सीजनल प्लांट है वो अपने सीजन पूरा करके अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। तो विंटर का जो सीज़न होता है सबसे अच्छा फ्लावरिंग का सीज़न होता है, बहुत सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट हमें मिल जाते हैं, तो इसलिए विंटर में हर कोई चाहता है कि फ्लावरिंग वाले प्लांट हम लगाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार हमेशा बनाए रखें, बहुत मोटिवेट करता है आपका सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।